أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته students today I Hinan teacher just Kachloo delivering a lecture of class 5th subject is English topic is the shadow तो जो हम कहीं दिनों से पढ़ रहे हैं shadow पहले भी मैंने बोला है shadow का मतलब परछाई है या हम साया भी कह सकते हैं तो ये poem हमने पढ़ी है कल हमने ये कंप्लीट की तो आज हम इसके क्वेश्चंस करेंगे ठीक है तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम तो यहाँ पे स्पीकर कौन है स्पीकर मीन्स कहने वाला जो हमें ये पोएम कहता है इसमें मैंने जो आंसर दिया दैट इज अ लिटिल बॉय इज द स्पीकर ऑफ द पोएम छोटा बच्चा इस में स्पीकर होता है हमें कहने वाला जो है वो छोटा बच्चा होता है मगर यहाँ पे एक और माने इसको ये भी निकलता है कि जो इसका पोइट का जो पोइट है इसका जो इस पोएम का राइटर है वो इट्सेल्फ वो अपने आप को खुद ये मतलब बच्चा समझता है और फिर खुद अपनी कहानी कहता है क्वेश्चन नंबर टू व्हाट आर द चेंजेस दैट ऑकर इन द पोइट्स शेडो पोइट्स की इस शेडो में कौन कौन सी चेंजेस आती थी द पोइट्स शेडो समटाइम्स बिकम्स बिगर कभी कभी जो पोइट की जो परछाई थी वो बड़ी हो जाती है एकदम से एंड समटाइम्स इट इज़ सो स्मॉल एज इफ़ देयर इज़ नन ऑफ इट तो कभी कभी वो इतनी छोटी हो जाती थी कि जैसे है ही नहीं जैसे कहीं है ही नहीं तो ये चेंजेस उसकी शेडो में आती थी बिकॉज हमें भी पता है कि ये जो सन जिस तरह से घूमता रहता है ज़मीन मतलब जिस तरह से राउंड करती रहती है तो उस हिसाब से शेडो बिगर और स्मॉलर होता है तो यहाँ पे जो पॉइंट हमें कहता है कि कभी कभार जो ये परछाई उसकी होती थी एकदम से इतनी बड़ी हो जाती थी जैसे इंडियन रबर बाल की तरह हो जाती थी एंड सम टाइम्स ये इतनी छोटी हो जाती थी स्मॉल हो आती थी कि जैसे है ही नहीं कहीं क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट डज द स्पीकर थिंक ऑफ हिज शैडो इन स्टंजा थ्री जो पोएम का स्टंजा थ्री है उसमें स्पीकर क्या कहता है तो इसका आंसर है इन स्टंजा थ्री द स्पीकर थिंक्स दैट हिज शैडो इज अ कवर्ड तो इन स्टंजा थ्री में हमें स्पीकर कहता है कि उसका जो शैडो है वो बुजदिल है कावर्ड मीनस बुजदिल तो इंस्टेंजा थ्री जो है पोइम का वहाँ पे वो हमें यही कहता है ठीक है तो आज के लिए ये तीन क्वेश्चंस है तो कल इंशाल्लाह हम और क्वेश्चंस करेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ थैंक यू